यदि आपको यहां से लौटा देते तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। आपने उचित कहा था कि वास्तविक अमृत तो ये है, ये मदिरा, ये सौंदर्य, ये नृत्य, ये आनंद, ये मदिरा। तो आज से भक्ति नहीं भोग होगा, मदिरा का भोग। आज से यहां पर चरणामृत पान नहीं होगा परंतु मदिरा पान होगा। त्रिपुरासुर की रक्षा करने वाली आपकी भक्ति की ढाल अब नष्ट हो चुकी है पिताश्री। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अधर्म के प्रति है उनकी वास्तविक भक्ति। तो प्रभु, इसके पूर्व कि उनकी असुर सेना जीवित हो, उनके पूर्व सीधी रेखा से बाहर आए और असुर सहस्त्र वर्षों तक सर्वत्र विनाश करें, उनका अंत कर दीजिए। प्रणाम पूपा जी। प्रणाम मामा जी। महादेव, गणेश ने बड़ी ही चतुराई से समय रहते उनका सत्योजागर किया है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता। विलंब तो अभी भी हो रहा है, इसीलिए समस्त देवी देवताओं की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं महादेव कि इस असुर उपद्रव को उत्पन्न होने से पूर्व रोक दीजिए। मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ। महादेव पुत्र श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का अचूक वार किया है इन तीनों दुष्टों पर। त्रिपुरासुर का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो गया है। उनका कुटिल अभिप्राय भी अब किसी से छिपा नहीं। गणेश के प्रयासों से त्रिपुरासुर का सत्य उजागर हो गया है, इसलिए उनका अंत करने को तत्पर हूं मैं, तत्पर हूं मैं। किंतु
इसके लिए मुझे वो बाण चाहिए। जो बाण बाण ना हो। और वो बाण उस धनुष से चले। जो धनुष धनुष ना हो। और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे। जो रथ रथ ना हो। ये सभी कौन प्रस्तुत करेगा? पिताश्री, मैं प्रस्तुत करूंगा। पुत्र, ऐसा रथ धनुष और बाण कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं समझ गया, जो रथ रथ ना हो उस रथ का निर्माण कैसे होगा? माँ, जिस प्रकार सूर्य देव के रथ में लगे अश्व केवल अश्व नहीं अपितु ऊर्जा के सात रंग के प्रतीक हैं, तथा गायत्री, बृहदी, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये सात छंद अश्व हैं। उसी प्रकार पिताश्री का रथ भी रथ नहीं होगा अपितु स्वयं देवता होंगे। और देवताओं के इस रथ का निर्माण करने के लिए मुझे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ और कुशल शिल्पी विश्वकर्मा जी की सहायता चाहिए होगी। मैं प्रस्तुत हूँ गणेश जी, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। उचित है, फिर सभी का आशीष लेकर हम रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं। त्रिपुर में यह कोलाहल कैसा? मूर्ख, थोड़ी और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? अवश्य ही गणेश का छल है ये। मुझे यज्ञ को शीघ्रता से संपन्न कर असुर सेना जागृत करनी होगी। त्रिपुर की रक्षा का मात्र यही उपाय है। ओम भ्रीम ब्राम त्रेम त्राम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे पार्वती नंदन गणेश, मैं विश्वकर्मा देव शिल्पी होकर भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि धनुष बाण और रथ का निर्माण हम कैसे करेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हो भी और ना भी हो, ये कैसे संभव है? हमारी बुद्धि और निपुणता ये संभव कर देगी विश्वकर्मा जी। हम ऐसे सर्वदेवोमय रथ का निर्माण करेंगे जो रथ नहीं है। सर्वदेवोमय रथ? हाँ विश्वकर्मा जी, वो रथ जो सर्वलोकमय और सर्वभूतमय हो, जिसके दाहिने चक्र में स्वयं सूर्य देव और रथ के चक्र की तिल्लियों में 12 आदित्य विराजमान हों। रथ के बाएं चक्र में चंद्रमा हो
और उसकी 16 तिल्लियों में चंद्रदेव की 16 कलाएं बसेंगी और सभी नक्षत्र भी रथ के चक्र के साथ साथ चलेंगे। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हो। मेरे पिताश्री महादेव के भार को मंदराचल के अतिरिक्त कोई नहीं संभाल सकते, इसलिए रथ के बैठने के स्थान पर मंदराचल हो। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ अपने नारी रूप में रथ पर स्थित होकर चंवर डुलाएंगी। चारों वेद उस रथ के चार अश्व होंगे। वायुदेव रथ के आगे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। ब्रह्मदेव रथ के सारथी होंगे, ओमकार उनके चाबुक बनेंगे और आकार रथ का छत्र बनेगा। संवत्सर रथ का वेग और मुहूर्त उसकी रस्सी होंगे। स्वर्ग और मोक्ष रथ की ध्वजा। कामधेनु और एरावत की पत्नी अब्राहमु रथ के जुए के अंतिम छोर पर स्थित होंगे और पंचभूत इस रथ के बल बनेंगे। तो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, उस रथ का निर्माण हो गया ना, जो रथ नहीं है। आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना अतुलनीय है, अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। आइए अब हम धनुष का निर्माण करते हैं। नाना जी शैलराज हिमालय धनुष का ढांचा बने और श्रीहरि नारायण के शैया शेषनाग जी उसकी प्रत्यंचा। तो वो धनुष भी प्रस्तुत हो गया ना विश्वकर्मा जी, जो धनुष नहीं है। अब बाण, त्रिपुर को नष्ट करने वाले बाण, स्वयं जगत के पालनहार मामा जी नारायण हो। और सभी अपवित्रताओं को मिटाने वाले अग्निदेव बाण की नोक बने। देखा विश्वकर्मा जी, निर्माण हो गया ना बाण, जो बाण नहीं है। अब इनको पिताश्री के पास ले चलते हैं। अद्भुत सा
पिताश्री, प्रस्तुत है वो रथ जो रथ नहीं है, वो धनुष है ये जो धनुष नहीं, और ये लीजिए वो बाण जो बाण नहीं। ओम त्रिम त्राम भ्रीम राम स्वाहा। ये काली छाया कैसी है जो त्रिपुर को ग्रसने का दुस्साहस कर रही है? जो भी है हमारे समक्ष आओ, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। राहु तुम व्यर्थ आयो यहाँ, क्योंकि तुम्हारा ग्रहण सूर्य या चंद्र पर चल सकता है, हमारे त्रिपुरासुर में नहीं। ग्रहण तो लगने वाला है अब तुम्हारे राज्य पर, महादेव के क्रोध का ग्रहण, क्योंकि अब वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर तुम्हारा विनाश करने के लिए निकल चुके हैं। और ये मत भूलो, त्रिपुर भी अब एक सीधी रेखा में आने वाला है। तुम्हें वो वरदान तो स्मरण है ना, जब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपुर के तीनों पुर एक सीधी रेखा में स्थिर हो, और जब शिवजी अपने एक ही बाण से हमारे तीनों पुरों पर प्रहार करें,
प्रभु, मात्र इसी अवस्था में त्रिपुर और हमारा विनाश संभव। बस यही स्मरण कराने और सचेत करने आया हूं तुम्हें मैं कि तुम्हारा विनाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय असुरों, यदि किसी उपाय से अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि बहुत कम समय से है तुम्हारे पास। उचित कहा तुमने राहु, समय शेष नहीं है, परंतु असुरों के विनाश के लिए नहीं, हमारी शक्ति और सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए। गुरु शुक्राचार्य और त्रिपुर राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए है। राहु, जो तुम समाचार लाए हो उससे कहीं अधिक भयावह दृश्य नहीं है ये। प्रभु, महादेव हमारे विरुद्ध खड़े हैं, किंतु हम तो वर्षों से इस गुप्त असुर सेना का निर्माण कर रहे हैं। किंतु क्या ये सेना महादेव और उनके पुत्र गणेश को रोकने में सक्षम होगी? श्री गणेश यहाँ आकर भले ही सब कुछ ज्ञात कर चले गए हो और जाकर महादेव को भी बता दिया हो, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी असुर सेना अभी भी अदृश्य है। अब स्वयं महादेव देखेंगे कि कैसे असुर विनाश करने में सक्षम है। समस्त संसार में अच्छाई का नाश कर असुर सेना अपने अनुसार नवीन सृजन करेगी। असुरी सेना से संसार की रक्षा कौन करता है? अब हमारी असुर सेना जीवित होने के लिए तत्पर है। सफल हो गया मैं, पूर्ण हुआ यज्ञ। अब मुझे इस यज्ञ की अग्नि को और प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही तत्वों की ऊर्जा चाहिए मुझे। तुम्हारे एक आदेश पर यह सेना विनाश करने को तत्पर हो जाएगी। मैंने अपना कार्य कर दिया, अब तुम त्रिपुरासुर अपना कर्तव्य निभाओ। हर हर देवताओं के महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा महासंग्राम जहां विजय अवश्य असुरों की ही होगी। सृष्टि का नवीन इतिहास रचेंगे हम असुर। करने बढ़ रहे हैं, किंतु हम भी उनके बाण का उचित उत्तर देंगे। हमारे महाअसुर बाण से, हमारे महाअसुर बाण से। त्रिपुर असुर योद्धा उठो,
सर्वनाश बाण की आकृति लेकर नष्ट भ्रष्ट कर दो उस बाण को जो बाण ही नहीं है, उस धनुष को जो धनुष नहीं है, उस रथ को जो रथ ही नहीं है। शक्ति का वहां बाण चलाकर इन ढोंगी असुरों ने अपनी धृष्टता का परिचय तो दे ही दिया। उस असुर बाण का तो शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। प्रभु महादेव, यह असुर बाण हमारी ओर तीव्र गति से आ रहा है और आप विष्णु बाण मात्र एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, और साधे हुए बाण को हटाकर दूसरा बाण लगाना आधार्मिक होगा। अपनी रक्षा के लिए त्रिपुरासुर ने ऐसा उपाय किया है जिससे हम सब फंस गए हैं। यदि हम शक्ति से संपन्न होते तो अवश्य महादेव का साथ देने के लिए इस युद्ध में भाग लेते। अब क्या करेंगे महादेव, क्या करेंगे? विश्वास है मुझे, पिताश्री विष्णु अग्नि बाण का प्रयोग कर अपनी रक्षा नहीं करेंगे, उससे तो वो मात्र त्रिपुर पर ही वार करेंगे। मुझे अभी कुछ करना होगा। अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है महादेव का रथ, जिसके बाद सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे हम। माँ, मुझे पिताश्री की सहायता करने जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र,
इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करे। दीजिए माँ। प्रणाम माँ। चलिए प्रभु। त्रिपुर को ध्वस्त करने के अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करने दूंगा। जब तक त्रिपुर एक सीधी रेखा में ना जाए, मुझे विष्णु बाण को इसी प्रकार यथास्थित रखना होगा। कहीं त्रिपुर के सीधी रेखा में आने के पूर्व ही ये असुर बाण हमारे इस रथ से टकरा गया तो सर्वनाश हो जाएगा। हमारी सफलता देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। सुरक्षित रहेंगे त्रिपुर, नाश होगा महादेव के रथ का और प्रारंभ होगा कभी ना नष्ट होने वाला असुर साम्राज्य। मैं सफल हुआ। मूषक जी, यही उचित समय है। समय के रहते श्री गणेश जी वहां पहुंच भी गए तो वो विशाल काया असुर अस्त्र का सामना कैसे करेंगे? सत्य वचन, अपने पिता की सुरक्षा है तो कहीं गजानन स्वयं को अति विशेष संकट में तो नहीं डाल रहे? ऐसा संकट जिससे निकलना स्वयं के लिए असंभव हो। नारायण नारायण। ना आकार कितना भी बढ़ा ले गणेश, हमारे अपराजय अस्त्र से टकरा कर यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। अनर्थ, घोर अनर्थ, गणेश ने तो मेरा ये प्रयास भी विफल कर दिया।
अर्थात अब पिताश्री द्वारा उनके नष्ट होने का समय आ गया है। समाप्त नहीं हुआ शिवपुत्र गणेश, तेरी अजय असुर सेना शेष है अभी। एक ओर का वार तो तुमने रोक लिया, परंतु जब सारी दिशाओं से घेर कर तुम पर आक्रमण होगा तो तुम इस आक्रमण को रोक नहीं पाओगे। महादेव का रथ नष्ट होकर ही रहेगा। असुर सेना तो अत्यंत भयंकर है। महादेव और प्रथम पूज्य गणेश चारों दिशाओं से आने वाले इन संकट को कैसे रोक पाएंगे? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, इसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विनाश यदि आज होगा तो देवताओं का और अन्य जीवों का, क्योंकि इससे पूर्व ये सभी त्रिपुर एक सीधी रेखा में आए, हमारी ये सेना महादेव के रथ को ध्वस्त कर देंगी। ऊपर से आक्रमण करेगी, उससे नहीं रोक पाओगे तुम। गजानन ने अपना पंच गणेश रूप किया है धारण। नारायण नारायण। विघ्नहर्ता प्रकट हुए पांच पांच रूपा, प्रतिरूप शुभ कारक प्रतिरूप अनूपा। त्रिपुरा की सेना का करने को संहारा, पंच रूप ने बनाया उनको आहारा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरे सैनिक समाप्त नहीं हो सकते, गणेश उनका पाचन नहीं कर सकता, उनका उधर फाड़ के बाहर आएगी मेरी ये सेना। बाहर आने तो हमें, निकालो हमें यहाँ से, अन्यथा चीर कर बाहर आ जाएंगे। महादेव का रथ रोकना है, अन्यथा हमें बाहर जाने दो। जीर्णम जीर्णम असुर सेना जीर्णम। असुर सेना हो गई हजम। देवराज इंद्र, अंततः पूजनीय गणेश ने असुर सेना को पचाकर रोक ही लिया। हाँ देव ऋषि, आप उचित कह रहे हैं। अब महादेव के हाथों त्रिपुर का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा गणेश के कारण उसके पिता महादेव के हाथों हम नष्ट हो जाएंगे।
हमारी शक्ति क्यों क्षीण हो रही है? हम रथ को अपनी शक्ति क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर्वदेवोमय रथ खंडित हो गया। ये क्या? सर्वदेवोमय रथ से उसकी शक्ति भी बाहर निकल कर जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी रक्षा हो गई। कुछ ही क्षणों में सहस्त्र वर्षों के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे। क्या अनर्थ हो रहा? महादेव का रथ खंड खंड क्यों हो रहा है? अब तो कुछ ही समय शेष है, किंतु कैसे पूर्ण होगा महादेव का कार्य? कैसे होगा त्रिपुर का अंत? अब मुझे ज्ञात था इस कार्य में विघ्न तो आना ही था। क्या कारण है इस विघ्न का? दिव्य सर्वदेवोमय रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? क्यों चतुरा नंद गणेश, नष्ट हो गया वो रथ जो हमारे विनाश के लिए निर्माण हुआ था? नष्ट हो गया वो बाण, वो धनुष। अब तो समय भी आपके हाथों से फिसल कर आपको असफल बना रहा है। क्योंकि कुछ ही पलों में हमारे तीनों पुर सीधी रेखा में आकर पुनः अपनी पूर्व की स्थिति की ओर गतिमान होंगे और मिट जाएगी हम पर छाई मृत्यु की काली परछाई। फिर सर्वत्र होगा अधर्म का अवस्था। माता, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा होना ही था अर्थात? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ जिसने मुझे भी चकित कर दिया? रथ का निर्माण तो स्वयं पुत्र गणेश ने करवाया था। हाँ प्रभु महादेव, वरदान के सभी नियमों को भली भांति पूर्ण किया था गणेश ने। फिर ये कैसा विघ्न है प्रभु जिसका रहस्य हम त्रिदेव की समझ से परे है? कदाचित रथ के निर्माण में मुझसे ही कोई भूल हुई हो। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी। कैसी भूल? हाँ स्वामी, जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। ये विघ्न उसी भूल का परिणाम है। महेश्वरी, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ स्वामी, भली भांति ज्ञात है मुझे। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश की पूजा है। इस विघ्न को टालने का एकमात्र उपाय है, जिसके लिए अभी कुछ ही समय शेष। पिता हूं मैं उसका, पिता होकर पुत्र की पूजा करूं? ये कैसे संभव है? संभव नहीं है गणेश, अब हमारा कोई भी अनिष्ट कदापि संभव नहीं है।
विलंब मत कीजिए, अभी भी समय, अभी भी गणेश देवी, तनिक विचार कीजिए अपने सुझाव पर। पिता द्वारा पुत्र पूजन मर्यादा के विरुद्ध है और गणेश पुत्र है मेरा। आपका पुत्र होने के साथ वो देवताओं का ईश्वर, समस्त गणों का अधिपति भी तो है। स्मरण कीजिए स्वामी, ब्रह्मदेव के साथ स्वयं आपने घोषणा की किसी भी कार्य के पूर्ण होने के लिए सर्वप्रथम गणेश पूजन अनिवार्य है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, और वो विजेता है गजानन। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। अपनी ही घोषणा को आप स्वयं कैसे भूल गए स्वामी? मैं अपनी घोषणा नहीं भूला हूँ माँ, किंतु अपने पुत्र की पूजा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। दिव्य प्रकाश कैसा? भ्राताओं, ये कैसा दिव्य पंचमुखी रूप धारण कर लिया महादेव पुत्र ने? नमामि देवा नमामि देवा, जय गण राजा नमामि देवा, दया करो हे मंगल देवा। प्रभु, आपके कहे बिना ही मुझे महादेव की दुविधा याद है। देवी, देवाधि देव हैं आप, सृष्टि के प्रजापति हैं। यदि आप अपना संशय दूर नहीं करेंगे, अपने ही द्वारा स्थापित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सर्व जगत के लिए वो नियम कैसे मान्य होंगे? संसार से ये संशय दूर हो, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए और ऐसा कार्य कभी भी मध्य में न रुके। इसीलिए ये लीला रची है मैंने। रुक क्यों गए? अपने अंतिम अट्टहास का भरपूर आनंद ले लीजिए आप, क्योंकि मृत्यु के बाद अट्टहास का अवसर नहीं प्राप्त होगा आपको। संभव है असंभव, हमारी मृत्यु असंभव है। ये भ्रांति है आपकी। स्मरण रहे, विघ्नों के पश्चात भी धर्म कार्य कभी रुक नहीं सकता। आपके पूर्व एक सीट में आए उसके पूर्व पिताश्री पुनः अपना स्थान लेंगे और सर्वनाश करेंगे आपका। आज मैं आपकी लीला का रहस्य समझ गया प्रभु। जो अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते, वो स्वयं अपना ही अपमान करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए नियमों का पालन तो अनिवार्य है, उससे तो मैं भी अछूता नहीं। इसलिए मैं विघ्नहर्ता गणेश की
पूजा करने के लिए प्रस्तुत हूं। इस पूजा की सफलता के लिए आप पूजा की विधि में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक साधारण हल्दी गणेश को मेरा प्रत्यक्ष रूप मानकर मेरी पूजा की जा सकती है, किंतु माता रहित गणेश का अस्तित्व अपूर्ण है, इसलिए माता को भी विधि पूर्वक मेरे स्वरूप के साथ स्थापित कर हल्दी गणेश रूपी मेरे स्वरूप को दुर्भा के साथ पान के पत्र पर स्थापित किया जाए, जिससे मुझे भव्य सिंहासन पर स्थित होने का आभास हो। फिर पंचामृत स्नान के साथ जनेऊ और मोली वस्त्र के रूप में धारण करवाकर गन्ने का रस, गाय का दुग्ध, पोहा, चिवड़ा, नारियल और गुड़ के भोग से मुझे प्रसन्न कर सरल विधि से मेरी पूजा हो। अवश्य प्रभु, किंतु शुभ कार्यों में आने वाले विघ्नों को नष्ट करने के लिए आपकी पूजा को अत्यधिक प्रभावी बनाने की विधि बताने की भी कृपा करें। मेरे सहस्त्र नामों का जाप मेरे महापूजन के समान है। अब मैं आपको अपने उन्हीं सहस्त्र नामों से परिचित करवाता हूं। जग उद्धारक, जग के कल्याण कारक, एक सहस्त्र नाम के विनायक हैं धारक। नाम स्वयं के सहस्त्र गजानन सुनाए, जय जय श्री गजानन, जय जय गणराय। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रभु, आज आपने अपने मुख से सहस्त्र नामों का उच्चारण कर हमारे साथ साथ समस्त संसार को भी धन्य कर दिया। प्रभु, आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि इस प्रकार विधि पूर्वक मेरे सहस्त्र नामों का जाप कर जो कार्य प्रारंभ होगा वो अवश्य संपन्न होगा। फिर वो कार्य त्रिपुर का अंत ही क्यों ना हो। प्रणाम प्रभु। अंत संभव है हमारा, क्योंकि विघ्न आपका अभी भी शेष है, किंतु उसको दूर करने का उपाय सोचने का समय अभी शेष नहीं है। जो जब होना नियत है वो तो तभी होकर ही रहेगा, क्योंकि काल से पूर्व किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता और अपने निर्धारित काल से अधिक कोई जीवित भी नहीं रहता। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि इस कार्य में आए इस विघ्न का कारण क्या है और इतने अल्पकाल में इन असुरों के विनाश का क्या उपाय संभव है। अब तो श्री गणेश भी लौट कर आ रहे हैं, कैसे होगा त्रिपुर का विनाश, कैसे होगी सृष्टि की रक्षा। ये बालक कोई नई युक्ति लेकर आए, उससे पूर्व ही बचने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। सहायता करें गुरुवर। अभी भी एक उपाय शेष है।
ये मनोहारी अद्भुत अनुपम। प्रथमतया प्रथम पूज्य काज पूजन। पूजा कर रहे पुत्र की शिव जटाधर, संग बैठी पार्वती माता भी सादर। गढ़ रही है हल्दी से माता गजानन, निर्मित करे शिव भी हल्दी गौरी पावन। पुष्प जनेऊ जल व पंचामृत चढ़ाए, मूर्ति को चढ़े मंगल मूर्ति को पाए। अंततः पूजा जब पूर्णता को पाए, सहस्त्र नाम पाठ भोलेनाथ सुनाए। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। संकट पुनः उत्पन्न हो रहा है, त्रिपुर अभी भी असुरक्षित है और देवताओं का रथ पुनः निर्मित हो रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसे हो गया? अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? संकट में है हम, किंतु उनके पास भी अधिक समय नहीं है भ्राताओं। अब अधिक समय नहीं है पिताश्री, त्रिपुर सीधी रेखा में है। अब अपना स्थान लेकर इस कार्य को संपन्न कीजिए और निश्चिंत रहिए, इस बार इस कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। इन दुष्ट असुरों का विनाश होगा। हो गया, अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? शिव का बाण त्रिपुर को नष्ट कर सकता है, जो त्रिपुर में ना हो उन्हें नहीं। भ्राताओं, महादेव के वार के पूर्व हमें यहाँ से भागकर हमारी रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा त्रिपुर के साथ हमारा भी विनाश संभव है। उचित है भ्राता, अभी महादेव का बाण चला तो सर्वनाश होगा हमारा, हमें त्रिपुर छोड़कर जाना ही होगा।
शीघ्र यहां से जाना होगा। अब रखता हूं। क्या हुआ? भयभीत होकर भागने की तैयारी कर रहे हैं आप? किंतु अब मैं पुनः अपने पिताश्री की सहायता के लिए उनके साथ हूँ। अब आप उनके वार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये आपका भ्रम है गणेश, कि आप बिना हमारी अनुमति के त्रिपुर में प्रवेश ही नहीं कर सकते। और हमारे भागने के पश्चात यदि त्रिपुर नष्ट भी हो गया तो भी हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। पिताश्री के बाण से इनका अंत सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों को इनके पुरों में स्थित रखने का कोई उपाय करना होगा मुझे। पिताश्री को वचन दिया है मैंने कि इस कार्य में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। ये वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करो। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। पिताश्री की झूठी भक्ति से स्वयं को अब तक सुरक्षित रखा आपने, किंतु अब मैं अपने पिताश्री के आशीर्वाद की शक्ति से आपके अंत का उपाय करूंगा। शीघ्रता करो, यहाँ से निकलो शीघ्र। अवश्य भ्राताओं, अपनी गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अरे ये कैसी दिव्य बाधा उत्पन्न हो गई हमारे पथ में। पूर्व में ही रहने के लिए विवश कर रही है शक्ति। भ्राताओं, अपनी रक्षा कैसे करें हम? भ्राताओं, अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करो, तोड़ दो इस दिव्य फांस को और यहां से भाग निकलो। कीजिए कीजिए और प्रयास कीजिए। असुर पराजित नहीं होंगे, इस बार मैं आपको विजयी नहीं होने दूंगा महादेव पुत्र। भ्राताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि महासत्ता चल रहा है। त्रिपुर सीधी रेखा से निकलकर त्रिकोण में आ रहे हैं।
इसके सीधी रेखा से निकलने तक की देर है, उसके बाद महादेव भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। ये दुर्पुर और तीव्र गति से बढ़कर हमारी रक्षा नहीं कर सकता क्या? किंतु अब उसमें अधिक समय शेष नहीं है, हम रक्षित हो सकते हैं भाताओ। अंत से बचने का एक और अवसर देता हूँ मैं आपको, जाइए बचा लीजिए अपने प्राण। हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश ने इनके सामने इतने विघ्न उत्पन्न कर दिए हैं कि अब ये अपने पुरों को छोड़कर भी नहीं जा सकते। अधर्म विनाशक महादेव महाकाल की जय। महादेव हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यदि हमने कभी भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति की है तो हमें क्षमा करें, हमारे अपराधों का दंड मिल चुका है। कृपया हमारे दोषों के लिए हमें क्षमा करें। क्षमा करें गणेश जी, क्षमा करें महादेव। पिताश्री, आपने मुझे एक बार बताया था कि भक्ति बुरे विचारों से प्रेरित होकर भी की जाए तो भी उसका परिणाम तो शुभ और सुखकर ही होता है, इसलिए इनकी भक्ति का फल इन्हें दीजिए पिताश्री। इनके दंड और इनके कष्टों को कम करने की कृपा कीजिए। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, इस जन्म में तुमने दूषित मन से ही सही, किंतु मेरी जितनी भी पूजा की है उसके परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अपने अगले जन्म में तुम मेरे सच्चे भक्त बनकर ही जन्म लोगे। विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म 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 विनाशक महाकाल महादेव की जय। जिस सफलता का मैं माध्यम मात्र था उसका वास्तविक श्रेय तो गणेश को जाता है। उसी ने उन अधर्मी असुरों के पाखंड को उजागर किया, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान की सभी स्थितियों को पूर्ण किया। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो
अवश्य पूर्ण होगा। मां असुरी सेना को अपने उदर में लील कर असुरों के दुष्ट प्रयोजन में विघ्न उत्पन्न की। और अंत में आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त की रुद्राक्ष माला की महिमा से असुरों को त्रिपुर से जाने से रोका। इसलिए आज से गजसून से चिन्हित रुद्राक्ष को गजमुख रुद्राक्ष पुकारा जाएगा। जो इस रुद्राक्ष को धारण कर शुद्ध मन से कोई कार्य प्रारंभ करेगा उसका वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज तुमने इन दुष्टों के कुटिल कार्य में विघ्न उत्पन्न कर ये सिद्ध कर दिया गणेश कि तुम मात्र केवल धर्म के मार्ग में आने वाले विघ्नों के विघ्न हर्ता ही नहीं दुष्टों के लिए विघ्न करता भी हो। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पिताश्री, आपके बाण से उत्पन्न ऊर्जा तो पुनः नारायण और अग्निदेव के रूप में आ गई है। रथ के भिन्न भाग भी अपने पूर्व धारण कर चुके हैं, किंतु आपका धनुष अभी भी आपके हाथों में है। उसका कोई विशेष कारण है क्या पिताश्री? हाँ पुत्र, आज से इस धनुष का एक विशेष नाम होगा, पिनाक। पिनाक जिसके कारण अधर्म का विनाश हुआ, इसलिए अब यह सदा अधर्म को नष्ट करेगा। इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। परशुराम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा धनुष पिनाक धारण कीजिए, जिसे प्रयोग करने में समस्त संसार में मेरे सिवाय एकमात्र आप ही सक्षम हैं, और जो निकट भविष्य में आपके कर्तव्य निभाने में आपका सहायक होगा।
परशुराम जी कौन है और एकमात्र वो ही पिताश्री के धनुष पिनाक को धारण करने में समर्थ क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्हें पिनाक की सहायता से पूर्ण करना है? असाधारण होंगे वो, और कोई अति विशेष कारण होगा उनके जन्म का, जिन्हें मेरे पिता महादेव स्वयं उनका दिव्य धनुष पिनाक प्रदान करने गए हैं, ये ज्ञात है मुझे। इसलिए मुझे बताइए माँ, कौन है परशुराम जी? पुत्र, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण ने जिनके रूप में सृष्टि पर अपना छठा अवतार धारण किया है। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के पांचवे और असाधारण पुत्र हैं परशुराम। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजेय योद्धा बन गए। राम, अपने अस्त्रों पर ऐसा अद्भुत नियंत्रण पाकर, उन्हें अपनी इच्छाओं का दास बनाकर तुमने युद्ध कला में श्रेष्ठतम कुशलता प्राप्त करने का प्रमाण दिया है। प्रभु, मेरी योग्यता तो आप ही के आशीर्वाद से है। शिष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करा के उसे ज्ञान की उड़ान भरने में समर्थ बनाने का श्रेय तो गुरु को ही जाता है। पुत्र, कठिन परीक्षाओं को पार कर अपने कठोर परिश्रम से गुरु की शिक्षा को सार्थक करने वाला शिष्य ही योग्यता की ऊंची उड़ान भरता है। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। अर्थात माँ, पिताश्री से परशु प्राप्त करने के उपरांत ही ऋषि पुत्र राम श्री परशुराम नाम से विख्यात हो गए। हाँ पुत्र, जो मामा जी श्री हरि नारायण के अवतार हैं, पिताश्री की परम भक्त हैं, युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं, अद्भुत व्यक्तित्व है जिनका, उनके दर्शन कितने आनंददायक होंगे माँ। मुझे पूर्व में ज्ञात होता तो मैं भी पिताश्री के साथ उनके परम भक्त और शिष्य से भेंट करने चला जाता, किंतु मुझे बताइए ना माँ, पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? परशुराम प्रभु के परम भक्त और परम शिष्य होने के साथ महान मातृ भक्त भी थे, किंतु एक दिवस नियति ने उनकी मातृ भक्ति की कठोर परीक्षा ली। मातृ भक्ति की परीक्षा माँ? हाँ पुत्र, परशुराम की माता देवी रेणुका अपने सतीत्व और अपने पति ऋषि जमदग्नि के प्रति अपनी निष्ठा का शेष उदाहरण थी, किंतु उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जब अपने स्वामी के यज्ञ अनुष्ठान के लिए निर्मल जल लाने की आज्ञा वो नहीं निभा सकी, उन्हें जलाशय से लौटने में विलंब ही नहीं हुआ, अपितु वो तो बिना जल लिए ही लौटने पर विवश हो गई। तो देवी रेणुका,
आपको इतना विलंब क्यों हुआ जलाशय से लौटने में? और वो जल कहाँ है जो आप लेने गई थी? आप कुशल तो है ना? क्षमा करे स्वामी। मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि देवी रेणुका के साथ क्या हुआ है। दृश्य में कैसे रम गया, वो मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अब जल पात्र के बिना मैं स्वामी की आज्ञा कैसे पूर्ण करूं? अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ कर डाला आपने देवी रेणुका। आपके मन का भटकाव मेरे और मेरे सर्वोच्च कर्तव्य, मेरे यज्ञ अनुष्ठान के प्रति आपकी अनिष्ठा का प्रमाण है। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं सदैव आपके प्रति एक निष्ठ रही हूँ। तन और मन दोनों से इस यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र हूँ मैं। स्वामी, मुझे नहीं ज्ञात कि ये क्षणिक भटकाव कैसे उत्पन्न हुआ मेरे मन में, किंतु स्वामी बस, बस। और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे प्रति घोर अपराध किया है आपने। नहीं स्वामी। जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। पुत्रों, रुक्मवान, सुखेत, वासु, विश्वंस, आगे बढ़ो और तुम्हारे पिता के प्रति अपने निष्ठा भंग करने के दंड स्वरूप मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूँ। वध कर दो अपनी माता का। क्यों खड़े हो? माता के मोह का बंधन पिता के आदेश के सम्मान से बड़ा नहीं है। आगे बढ़ो और पिता के आदेश का पालन करो। जड़वत क्यों खड़े हो तुम सभी? पिता की आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं है तो तुम्हें सजीव रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। नहीं स्वामी। जाओ, मैं तुम्हें मूर्तिवत करता हूँ। क्या किया स्वामी, ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया स्वामी, कैसा अनर्थ। अकृतः चतुरो वेदः विष्णुतः सशरं धनुः इदं ब्रह्म इदं क्षत्रं शापदापि शरदापि। आ, 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 आ,
पुत्र राम, तुम्हारी माता मेरी अपराधी हैं। इसलिए मेरा आदेश है, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो। पुत्र, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभाया, किंतु ये दृश्य जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वो भी तुम्हारे समान अविश्वास से स्तब्ध रह गए। पुत्र, पुत्र ये क्या कर दिया तुमने? इतने बड़े मातृभक्त होकर अपनी मातृभक्ति क्षण भर में भुला दी। मेरे वचन सुन, निसंकोच वध कर दिया अपनी माता का। श्री, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, पर कर्तव्य कठिनाइयां देख कर नहीं निभाया जाता। पिताश्री, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोच्च धर्म है। यही शिक्षा मुझे माँ ने दी थी और यही वेद भी कहते हैं। पिताश्री, मेरे लिए मेरी मातृभक्ति आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्य और पिता के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। एक मातृभक्त पुत्र के लिए और एक स्नेही भाई के लिए अपने भ्राताओं और अपनी माता के प्राण से बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, आप इन्हें इनका जीवन लौटाने की कृपा कीजिए। पिताश्री, देवी रेणुका, ये ज्ञात है मुझे आप गंगा के समान पवित्र हैं। यहां जो भी घटित हुआ वो एक परीक्षा थी मेरे द्वारा मेरे पुत्रों के कर्तव्य निष्ठा की, जिसमें राम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। पितृभक्ति और मातृभक्ति में श्रेष्ठतम, कर्तव्य पालन में अडिग, ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करने की तो और भी प्रबल इच्छा हो रही है मुझे माँ। किंतु मैं ये अभी भी नहीं समझ सका कि एक ऋषि पुत्र होकर भी परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी। माँ बताइए ना, परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो अनुचित अन्यायपूर्ण हिंसा
जो तुम्हारे माता पिता और भ्राताओं के साथ हुई है उसका भान है मुझे। समय आ गया है ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का और धर्म का राज्य स्थापित करने का जिसमें पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा क्या हुआ था माँ जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा छलक आई? पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। परशुराम जी के माता पिता एवं उनके समस्त परिवार की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई। माँ, माता पिता तो हर किसी के प्रथम गुरु, मार्गदर्शक एवं ईश्वर ही नहीं माता पिता भी होते हैं। उन्हें इस प्रकार खोकर तो परशुराम जी बहुत दुखी होंगे। केवल आहत और दुखी ही नहीं पुत्र, बल्कि अब उनका क्रोध ज्वालामुखी का रूप धारण कर बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला है। अब परशुराम जी ऐसा क्या करने वाले हैं माँ? आप मेरी प्रजा हो और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। मेरे मार्ग से हट जाइए ऋषिवर और इस दिव्य गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दें। मैं इसे अपने साथ ले जाकर ओक विलास की वस्तुएं प्राप्त करूंगा। नहीं राजन, प्राण त्याग दूंगा किंतु दुखियारे और असहाय जीवों की सहायता के लिए मैं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिला को आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। रद्द कर दो इन सब का और इनके इस आश्रम को नष्ट कर दो। नहीं राजन, नहीं, ऐसा धर्म ना कीजिए, मत करिए ऐसा धर्म। रेणुका, इसीलिए पुत्र तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए ताकि वो अन्यायियों को उनके अनुचित कृत्यों का दंड दे सके। उस निर्दय अधर्मी ने निखड़क से 21 घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर। वत्स परशुराम, माता पिता की निशंस हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है। निर्दयी को उसकी निर्दयता का दंड देने का समय है। संसार से कार्ति वीर्य अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने का समय है और उस कार्य में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा। परशुराम जी क्या करेंगे? Oh!
मौसम तक टूट गया। माँ प्रतीत होता है ये तो पिताश्री की बिना की टंकार की गूंज है। हाँ पुत्र तुम उचित कह रहे हो, ये स्वामी के धनुष बिना की टंकार है, उनके शिष्य परशुराम की हुंकार है। आ पुत्र, उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। Yeah!
वध कर दिया, परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शस्त्र सज्जित शस्त्र बुझाए हैं। इनसे कैसे बचोगे तुम? तुम्हारी शस्त्र बुझाए भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ने की वीर अर्जुन। समय है, अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें, आज तुम्हारा वध कर अरे इस अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा। बजराम, जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था, आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा। शोध है तू अन्यायी नृप, अंत करे प्रभु परशु। सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे, पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे। का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है। कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिकेय अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संघार प्रारंभ हो गया है, किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है।
क्या हुआ पुत्र? माँ, परशुराम जी के प्रति शोध की अग्नि तो अभी भी धधक रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। पिताश्री, अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा, अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। अब तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं। प्रणाम। आपके शुभ दर्शन कल्याणकारी हैं, किंतु इस समय मैं जिस वचन और प्रतिज्ञा से विरुद्ध हूं वो मुझे कहीं रुकने नहीं दे रहा। रुको परशुराम, प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं। दोषी को दंड दे चुके हैं और अपना वचन भी पूर्ण कर चुके हैं। आपका प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका है और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप। क्या यही ऋषि धर्म है? क्या ये हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम? क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं? जो कोई अन्यायी राजा नहीं, स्वयं उनके पुत्र कर रहे हैं। जैसे इस बाहरी युद्ध का अंत किया आपने, उसी प्रकार अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी। प्रतीत होता है ऋषिवर कश्यप जी को सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री, मैं ही जाकर उन्हें रुकने की प्रार्थना करता हूँ। इसी का भय था मुझे, जो पूर्वानुमान हुआ था अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। देवादि देव महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु, सुना है परशुराम जी ने अपना युद्ध रोक दिया है। आपके इस शुभ समाचार से तो हृदय प्रसन्न हो गया नंदी जी। जी गणेश जी, परशुराम जी ने ऋषिवर कश्यप के वचन सुने। नंदेश्वर जी, आप इतना शुभ समाचार लेकर आए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, किंतु इस प्रकार जल गिराकर किसी अतिथि के आगमन का संदेश भी दे रहे हैं आप। बड़ा आ रहा है उधर माँ।
कदाचित ये कहना अधिक उचित होगा कि वृक्ष पत्रों की सेना बड़ी आ रही है इस ओर। पुत्र, ये वृक्ष पत्रों की सेना नहीं, 60 सहस नन्हे बाल खिले ऋषियों के कैलाश आगमन का सूचक है, जो इन पत्रों को छत्र के समान प्रयोग करते हैं। अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ प्रभु, ये तो बाल खेलने ऋषि हैं। किंतु पिताश्री, कौन है ये बाल खेलने ऋषि? पुत्र, दक्ष पुत्री सनति और ऋषि क्रतु के पुत्र बाल खेलने ऋषि धर्म कार्य के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए प्रख्यात हैं। इसलिए इनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य होकर ही रहता है। स्वयं देवराज इंद्र भी इनके वचन नहीं टाल सकते। तब तो मैं स्वयं जाकर उनका स्वागत करना चाहूंगा। सावधान पुत्र, एक कदम अवश्य छोटे हैं, किंतु उनका क्रोध ऋषि दुर्वासा और परशुराम से कम नहीं, जो छोटी सी भूल से भी भड़क सकता है और ऋषि दुर्वासा के समान इनकी जीवा से भस्म करने का श्राप ही निकलता है। इसलिए इनके साथ सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ पिताश्री, इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा मैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पथ में बाधा उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बालतिल ललिति माधवलता, बालखिल ऋषि यहाँ प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें शीघ्र जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। प्रभु, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है, आज्ञा दीजिए। भक्ति और क्रोध के विचित्र संयोग बालखिल्य ऋषियों से हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम, मैं नंदी कैलाश आगमन पर आप सभी बालखिल्य ऋषियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूं। नंदी के श्वास से जब ऋषि छितराए, संकट को जान सभी शिवगण घबराए। ठीक समय आविघ्न हरता विघ्न टाले, गिरने से बाल खिल ऋषि को संभाले। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव। श्री गणेश,
अरे यदि ये नीचे गिर गए तो कहीं मुझे शाप देकर कटीले झाड़ में परिवर्तित न करते। विघ्नहर्ता गणेश जी सहायता कीजिए। नंदी जी के कारण आपको पहुँचे कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिगण। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। ओह, सभी इसीलिए साथ बोलते हैं ताकि हम इनकी ध्वनि सुन सकें। हमारी कैलाश यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आए हुए विघ्न को टालकर आपने ये प्रमाणित कर दिया है कि आप सर्व विघ्नहर्ता हैं। आपसे भेंट कर हम अति प्रसन्न हैं। इसलिए हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। नंदीश्वर जी, अब आप जो भी कहें थोड़ा धीमे स्वर में कहें, क्योंकि आपका एक भी शब्द उनके लिए बवंडर बनकर उन्हें उड़ा ले जा सकता है। ऋषि ऋषिगण, मुझे क्षमा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु याद रखिएगा, यदि हमारी कैलाश यात्रा में कोई भी पीड़ा का सामना हमें करना पड़ा तो कदाचित हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। तो कदाचित हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। ऋषिगण अकस्मात पुनः कंपित क्यों हो रहे हैं? अरे मूषक जी, प्रभु मूषक जी के ऐसे दौड़ने से जो भूमि में कंपन उत्पन्न हो रहा उसी से ऋषिगण स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। मूषक जी रुकिए रुकिए, आया प्रभु आया, प्रभु मुझे शीघ्र आने को कह रहे हैं। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। रुकिए मूषक जी, आगे मत बढ़िए, वहीं रुकिए। प्रभु मुझे और तीव्र गति से आने का संकेत दे रहे हैं। रुकिए रुकिए मूषक जी रुकिए। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ गया। नहीं नहीं मूषक जी रुकिए, और तीव्र, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अरे कंपन तो और बढ़ता जा रहा है। ये रही मेरी तीव्र गति। इससे पूर्व की मूषक जी कुछ अनर्थ कर दे, मैं ही कुछ करता हूँ। लीजिए, मैं आ गया प्रभु। रुक जाइए। क्या हुआ? देखा मैं दौड़ने में कितना तीव्र हूँ। आइए ऋषिगण, मैं स्वयं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणगणता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। एकदंत गज आंगन लंबोदर देवा, विद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। मोदक प्रिय विघ्नहरण मूस की सवारी, जननायक की जनगण करते जयकारी। जय देव जय देव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रभु आपकी कृपा से कैलाश आगमन का हमारा प्रथम उद्देश्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। किंतु दूसरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। प्रभु हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आप जैसे महान ऋषियों के इस विनम्र अनुरोध को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपको इस पूजा की अनुमति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न ना आए, इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये दायित्व तो मेरा सौभाग्य है पिताश्री और माता। ऋषिगण, जब तक अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लेते मैं किसी को भी कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ पिताश्री और माता, मैं अभी इसी क्षण इसकी निगरानी में जुट जाता हूँ। और प्रभु, हम सब यथाशीघ्र पूजा की व्यवस्था करते हैं। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने दूंगा। कहीं पूर्व की भांति कुछ अनिष्ट ना हो जाए। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सतर्क रहकर द्वार की रक्षा करूंगा। पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा मैं। तो समय व्यतीत करने के लिए क्या करूं? प्रभु का वाहन होने के नाते द्वार रक्षा में उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अरे प्रभु, अपना भोजन साथ लेकर आए हैं। स्वादिष्ट है मधुर फल और मिष्ठान भी। मुझे भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। ये मेरा भ्रम है या ये फल स्वयं मेरी और बढ़े आ रहे हैं। ये तो सत्य ही है। देखिए प्रभु, परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठे
मीठे फलों से भरी डालियां स्वतः मेरी और बड़ी आ रही है। अभी मैं खाता हूँ। रुकिए मूषक जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? मूषक जी जो परिश्रम करते हैं फल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ये फल तो बाल खिली ऋषि अपनी पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इन पर उन्हीं का अधिकार है। ऋषिगण, आपकी अनुपम भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कृपा कर अपनी पूजा के प्रबंध में मुझे सहायता करने की अनुमति दीजिए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, आतलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मदर अवता। ले जाएंगे मूषक जी? हाँ हाँ अवश्य प्रभु। सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। चलिए कुछ तो कार्य मिला। दर्शन पाकर ही शांति मिलेगी मुझे, इसमें क्षणिक विलंब भी मेरे लिए सहनीय है। इन ऋषियों की पूजा संपन्न होने तक मैं इस द्वार की रक्षा करूंगा और किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरे कदम प्रभु महादेव के दर्शन करके ही रुकेंगे। मैं हर स्थिति में पिताश्री के आदेश का पालन करूंगा। निभाते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला योग्य व्यक्ति कहलाता है।